मम्मा की रसोई में स्वागत है आप सबका दिल से हमेशा की तरह। आज देख रहे हैं मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा टी टाइम स्नैक बनाया जाए। तो गई रसोई में तो देखा थोड़े से चावल रखे हुए थे, थोड़ी सी सूजी थी, तो मैंने सोचा चलिए राइस टिक्का बनाते हैं। देखिए कितना बढ़िया सा मैंने राइस टिक्का बनाया कि आपके देखते से ही आ जाएगा मुंह में पानी। तो जल्दी से हम रसोई में चलते हैं और जानते हैं कि राइस टिक्का हमने कैसे बनाया है। आपने देखा कितना बढ़िया सा छोटी सी भूख के लिए मैंने बनाया है, और वो भी सिर्फ बचे हुए सामान से। देखने में कितना यमी लग रहा था हमारा राइस टिक्का। तो ये मैंने लिए उबले हुए चावल, ये देखिए, ये रात के अगर चावल है या सुबह के चावल बच जाते हैं और हम खाते नहीं है, वही वाले चावल है। तो इस चावल को मैं अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। देखिए राइस हमारा ग्राइंड हो गया अच्छे से। इसी में डाल दूंगी मैं 2 चम्मच भरकर सूजी, ये देखिए, और 2 चम्मच डाल दूंगी मैं बेसन। इसमें थोड़ी सी सूजी डाल दी, इसी में 2 चम्मच में फ्रेश दही डाल देती हूँ। देखिए बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता दिखता है ये। और डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक भी, देखिए, और इसको फिर से ग्राइंड करके लाते हैं। हमारा स्मूथ सा बिल्कुल पेस्ट एकदम रेडी हो गया है। तो इसको एक बाउल में मैं शिफ्ट करके अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमारा बैटर कितना बढ़िया रेडी हो गया है ना। इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, है ना। ये देखिए मैंने टिन में अच्छे से ऑयल लगा दिया था, इसलिए क्योंकि ये अपना सोडा डालने के बाद ना फटाफट से डाल देना चाहिए, नहीं तो इसका असर थोड़ा सा कम हो जाता है। देखिए हमारा पानी भी अच्छे से उबल गया है, बहुत ही ईजी और बहुत ही बढ़िया सा है। बारिश हो रही है तो मैंने सोचा जल्दी से छोटी सी भूख के लिए टी टाइम स्नैक बनाया जाए। ये देखिए वही मैं टी पैन में अच्छे डाल देती हूँ पूरा। देखिए इसको मैं टैप कर लेती हूँ, जैसे एयर बबल्स होंगे तो वो हट जाएंगे। और ये हमारा देखिए पानी उबल गया है। तो सबसे अच्छी इसकी ट्रिक एक है, जब पानी उबल जाए जब आप इस बैटर को रखिए, जिससे क्या होगा बहुत ही बढ़िया सा फटाफट से तैयार हो जाएगा। अब हम मिलेंगे 8 मिनट बाद। इसको 8 मिनट के लिए ऐसे रख कर रख देते हैं, 8 मिनट में हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा, फिर हम आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं। हमारा तैयार हुआ है कि नहीं हुआ, तो मैं सेंटर में ये स्टिक को डाल के देखती हूँ। तो अभी थोड़ा सा ये गीला है, इसका मतलब भी तैयार नहीं हुआ है, तो इसको मैं 5 मिनट और बनने देती हूँ। ओ देखिए कितना बढ़िया बना है। मैं फिर से स्टिक डाल के देखती हूँ, ऑलमोस्ट ये रेडी है। ये देखिए बस ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसको बताते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। इसको हम अच्छे से टैप कर लेंगे और धीरे से उसको निकालेंगे। देखिए वाह कितना बढ़िया निकला है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए गैस पे मैंने पैन को इसलिए पहले से ही चढ़ा दिया था जिससे थोड़ा गर्म हो जाए, क्योंकि हम बना रहे हैं टिक्का। तो हम इसके देखिए स्क्वायर स्क्वायर पीस ऐसे काट लेंगे। देखिए ये देखिए बिल्कुल स्क्वायर, जैसे हमारे पनीर टिक्के के होते हैं ना वैसे। क्या करती हूँ, स्क्वायर पीस मैंने काट लिए हैं और उसमें हमारा पैन गर्म हो गया, तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, बस 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं, इतना डालना है कि हमारे जो मसाले वो अच्छे से भुन जाए। देखिए है ना, ये तेज कर दिया मैंने गैस को। इसमें सबसे ज़रूरी डलेगा जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि टिक्के में ये बहुत ही बढ़िया लगता है। ये डाल दिया मैंने, थोड़ा डाल दिया मैंने पुदीने की पत्तियाँ और उसको अच्छे से भून लेते हैं। देखिए इसको तो भून लेगा ना, देखिए बहुत ही बढ़िया से भून लेते हैं। इसी में डाल दूंगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि इसका कलर बहुत ही बढ़िया सा आएगा और बहुत ही बढ़िया सा लगेगा देखने में। गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिंपल कर दीजिएगा, नहीं तो हमारी जो मिर्ची है वो जल जाएगी। देखिए अब हम क्या करेंगे, एक एक अपना पीस उठाएंगे, उसको अच्छे से चारों तरफ से ये देखिए रैप कर दूंगी। देखिए ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही दिखने में, देख रहे हैं आप कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसे ही मैं सारे पीस को अच्छे से कोट कर देती हूँ पूरा इसमें। हमारा राइस टिक्का तैयार हुआ, दिख रहा है आपको, देखते ही मुंह में आ जाए पानी। तो फटाफट मैं इसकी करती हूँ जल्दी से प्लेटिंग। देख के आप हो गए ना कंफ्यूज, ये राइस के हैं कि पनीर के हैं टिक्के। देखिए कितने बढ़िया से हमारे रेडी हुए हैं, बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट में। तो आप भी फटाफट से ये वाला टी टाइम स्नैक बनाइए, खाइए, खिलाइए, और अपने कमेंट जरूर मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। कल हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें हमेशा की तरह। तो एंजॉय राइस टिक्का।